सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू दूसरा दिन का ब्लॉग, मतलब दीपावली के अगले दिन का ब्लॉग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और आज बहुत लेट से उठा भी हूँ और एडिट तो रात को किया नहीं, सुबह एडिट किया है। और नेट, वाईफाई का नेट खत्म हो गया था इसलिए अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि नेट इतना ज़्यादा स्लो था। अभी 11:15 पे हुआ है वीडियो अपलोड, और अपलोड होने के बाद तब मैं अभी दूसरा दिन का ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसे तो फ्रेश सब हो चुका था, लेकिन स्नान नहीं किया हूँ। स्नान थोड़ा अनिजी फील कर रहा हूँ। अनिजी क्या मतलब, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो उधर अभी माँ बना रही है हमारे लिए जो नाश्ता, बना क्या रही है, बन चुका है, रात का बचा हुआ है। तो वो मेरे लिए फ्राई हो रहा है मेरे लिए। तो खाने के लिए हम तो बैठ चुके हैं, और आ गए हमारे छोटे भाई। कल भी हम दोनों साथ ही खाए थे, आज भी साथ ही खा रहे हैं। हमारा खाना आ चुका है। हाय, क्या कर रहा है ये सब, मेरे गोर हाथ गेट सब तोड़ देगा। तो अभी के हवाला और सूत्रों से खबर मिली है कि दीदी का आया था कॉल, आ रही है उनकी दोस्त। तो सुबह से तो हम किए कुछ नहीं, बस खाना पीना खाया जो आप देखे होंगे। उसके बाद हम पूरा सोए हैं, एकदम मन भर सोए। सोने के बाद कुछ नहीं, अभी उठे हैं, जल्दी जल्दी बिस्तर लगाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है कोई गेस्ट आने वाला है, सारा रूम साफ हो जाता है, किचन चकाचक हो जाएगा, रूम बेड सेट एकदम मस्त, आदमी मस्त, ऐसे कोई कैसा भी रहे। तो बेड सेट तो एकदम लग चुका है, एकदम उधर पापा का रूम का भी लगा दिया, अपना भी लगा दिया। अभी जाते हैं घर में, मिक्सर खत्म है तो भी लाएंगे मिक्सर, क्योंकि मिक्सर नहीं है तो मिक्सर लाना पड़ेगा। तो कोई आ रहा है तो अभी आए हैं दूध लेने हम। और कल बिट्टू भाई को दीपावली विश नहीं किए थे, इसलिए आज कर दिए हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक विश किए हैं इनको। क्या बोला तूने? और अब जा रहे हैं दूध लेके, फिर जाएंगे जल्दी से घर। काम हो चुका है और माँ दीपक एकदम दरवाजे पे दीपक रख रही है। किस लिए मम्मा दीपक रख रही हो? छोटी दिवाली। नहीं, छोटी दिवाली कल था, बसी वाला दिवाली। मतलब कि अच्छा लगता है, दीपक जल चुका है। तो मैं जा रहा हूँ बाहर दीप जलाने, और सॉरी दीप तो जल चुका है, मेन गेट पे अपने मोमबत्ती जला दूंगा दो, ताकि आज हर गेट पे जलता है तो वहाँ भी जलेगा। और आप जो ये गमछा देख रहे होंगे, क्या बिहारी स्टाइल, तो ये है सर्दी का राज। तो सर्दी का राज इसलिए कि अगर कुछ आ रहा है तो उसको ऐसे स्वागत कार्यक्रम करेंगे, स्वागत। जल गया, अच्छा जला रहा है, वाह, ओह माय गॉड, टुरुला हो गया, बहुत मस्त लग रहा है। तो अभी मैं बाहर था और किचन से कुछ मतलब खुशबूदार स्मेल आ रहा था, जबकि वो कब होता है, दूध जब उबल जाता है और मतलब पूरा एकदम ओट जाता है, खदकने लगता है, तो स्मेल आता है। तो माँ का तो माँ है, वो बोल दीजिएगा तो पिटाई लगेगी। तो आखिर बाल बच्चे होते किस दिन के लिए है? इसी दिन के लिए, दूध जल रहा है तो उसको बंद करना है, पानी भर गया है तो उसको बंद करना है। तो स्मार्टफोन है तो सोचते हैं कि एकदम यंगस्टर के लिए पढ़ाई का सुविधा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बात आज गलत हुआ। तो माँ भी अपना कर रही है कुछ, मतलब पढ़ रही है तो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सही बात है, स्मार्टफोन होने से दो चीज़ तो सही हुआ है कि जो हम लोग को है तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, और कोई जो मतलब बुक्स नहीं ला सकते हैं वो मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं अपना। तो माँ भी है, पापा है, अपना हेल्प कर देते हैं माँ को, तो ये बात सही है। लेकिन सच में मोबाइल्स होने के कारण थोड़ा तो होता है कि कोई भी आदमी कहीं से भी पढ़ सकता है, अगर कोई यूज़फुल है तो उसको हार्म भी करता है। जैसे मोबाइल फोन जितना यूज़फुल के लिए बनाया गया, यूज़ के लिए बनाया गया, लोग उतना यूज़ करता नहीं है, मतलब जिसको जितना यूज़ हो, लेकिन इसका उपयोग कम और दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई चीज़ ख़राब है नहीं, हम लोग बस कह देते हैं, अपना मुंह है, चमड़े का मुंह है, चमड़े का जीव है, बस जो मन में है बक दिए कि ये ख़राब है आज के दिन, मतलब कहीं भी निकल जाइए तो ये जरूर बोला जाएगा कि मोबाइल ख़राब है, जब से मोबाइल आ गया था ये हो गया वो गया। लेकिन लोग को ये समझना चाहिए कि सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप कहीं पर हैं किसी एकदम प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत हो जाता है, लोग को सुकून मिलता है, किसी का बेटा बाहर है, किसी का बेटी बाहर है, किसी की कोई हस्बैंड बाहर है, कोई वाइफ बाहर है, मतलब कहीं से भी माँ पापा बाहर है, जैसे हम ही लोग हैं कहीं बाहर निकल जाएंगे पढ़ने के लिए तो घर पे बस एक वीडियो कॉल लगाएंगे, मन को सुकून है, तो हम भी ठीक है, वो भी ठीक है, बात खत्म। तो अभी बज चुके हैं 8:15 और आया है अभी दीदी का कॉल की आ रही है उनकी फ्रेंड जो है,
तो इतना लेट सुबह आ रही है, लेट तो हो गया सच में, और ठंड भी बहुत ज़्यादा, बाहर गया तो ठंड लग रहा था, तो मैंने भी अभी उनको लाइव लोकेशन सेंड किया है, वो अभी आ रहे हैं, तो जी बिल्कुल टाटा आ गए हमारी दीदी टाटा आप जाओ कैसे है? तो आई वर्षा दी की फ्रेंड और जा रहेगा टाटा तो चली गई दीदी की फ्रेंड, आई थी यहाँ इनविटेशन देने, आई अच्छा लगा हम लोग को भी आई, तो चलिए वो चले गए, अब लेट हो चुका है, जाते हैं खाने की तरफ, डायरेक्ट खाना बन चुका है और बैठते हैं खाने के लिए। हमारा खाना बन रहा है, रोटी तो बन चुका है, ये है दाल और बना है पपीता का चोखा, तो रोटी दाल चोखा खाएंगे और उसके बाद फिर निनिया लेंगे। तो करता हूँ मैं अभी ब्लॉग को एंड, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। तो आज भी हाजीपुर एकदम खूबसूरत, कैमरे में तो उतना अच्छा कैद नहीं हो पा रहा है, बट बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपसे तो बहुत मस्त लग रहा है। आज भी फटाके की आवाज़ ऐसे ही आ रही, बूम बम बूम बम।